हेलो एवरीवन, सो वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि है रिवर्स ऑफ एन एरे। सो हमें एक एरे दे रखी है जो कि एन साइज की है और हमें उस एरे के एलिमेंट्स को रिवर्स करना है, ठीक है। तो जैसे कि ये सैम्पल इनपुट है हमारे पास, तो हमें एक 5 साइज की एरे दी है जो कि है 1 2 3 4 5, और जब हमने इस एरे को रिवर्स करा ना तो हमें कंटेंट मिलेगा 5 4 3 2 1। तो अब देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एरे है 1 2 3 4 5, और ये 5 साइज की एरे है, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम एक पॉइंटर रखेंगे स्टार्ट नाम का, स्टार्ट रख लेते हैं, जो कि पॉइंट करेगा एरे के स्टार्ट मींस स्टार्टिंग इंडेक्स को। एक पॉइंटर रख लेंगे एंड नाम का en, जो कि पॉइंट करेगा लास्ट इंडेक्स ऑफ एरे को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जिसे भी स्टार्ट पॉइंट कर रहा है और जिसे भी एंड पॉइंट कर रहा है, बस उन एरे एलिमेंट्स को हमें स्वैप कराना है। तो पहले आइटरेशन में जब हम इन दोनों को स्वैप कराएंगे तो हमें मिल जाएगा 5 2 3 4 और 1, ठीक है। और पहली आइटरेशन के बाद जो हमारा स्टार्ट और एंड होगा ना, वो अपडेट हो जाएगा। स्टार्ट हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा और एंड हमारा डिक्रीमेंट हो जाएगा। अब हम फिर से यही काम करेंगे, स्टार्ट पे जो एलिमेंट है और एंड पे जो एलिमेंट है, उन दोनों को हमें स्वैप कराना है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या एरे मिलेगी, इसके बाद हमें एरे मिल जाएगी 5 4 3 2 1, और फिर हमारा जो स्टार्ट है वो अपडेट हो जाएगा इससे और एंड अपडेट हो जाएगा इससे, क्योंकि स्टार्ट इंक्रीमेंट हो रहा है और एंड डिक्रीमेंट हो रहा है। अब जैसे ही हमारी ये टर्मिनेटिंग कंडीशन का काम करेगी, कि जैसे ही हमारा स्टार्ट इक्वल्स टू एंड हो रहा है या फिर हमारा स्टार्ट ग्रेटर देन एंड हो जा रहा है, तो फिर हमें अपना जो काम है रिवर्स करने का, मीन्स स्वैपिंग कराने का जो काम है, वो हमें स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो बेसिकली हमें अपना जो वाइल लूप होगा ना, जिसमें हम स्वैप करा रहे हैं स्टार्ट और एंड एलिमेंट को, तो उसमें हम कंडीशन रखेंगे जब तक हमारा स्टार्ट लेस देन एंड है ना, तब तक तुम स्वैप कराते रहो, ठीक है। तो अब एक बार इसे कोड करके देखते हैं। तो हमें ये मेन फंक्शन बना के दिया है, बस हमें एक रिवर्स फंक्शन में मीन्स कोड करना है, ठीक है। तो हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, स्टार्ट पॉइंट करेगा 0 को और एंड पॉइंट करेगा n-1 को। n हमारा एरे का साइज है, ठीक है। फिर हम एक वाइल लूप चलाएंगे जब तक हमारा स्टार्ट एंड से छोटा है। तो फिर हम एक टेम्प वेरिएबल ले लेते हैं जो कि इनिशियलाइज करेंगे एरे ऑफ स्टार्ट से। फिर हम एरे ऑफ स्टार्ट में डाल देंगे एरे ऑफ एंड को, उसके बाद हम एरे ऑफ एंड में डाल देंगे अपने टेम्प वेरिएबल को। ये हमारा स्वैपिंग हो गई, सारे एलिमेंट्स को ये स्वैप कर देगा, और जब सारे एलिमेंट्स मीन्स हाफ तक स्वैप हो जाएंगे, उसके बाद हमारी जो एरे है उसे हम रिटर्न कर देंगे। अब एक बार इसे रन करके देखते हैं। सो आई होप कि सारे मीन्स कोड एक्सेप्ट हो जाएगा। टाइम लिमिट एक्सीडेड, एक्चुअली हमें स्टार्ट और एंड को अपडेट भी करना था, वो हमने नहीं करा। तो स्टार्ट को हमें इंक्रीमेंट करना है, हमारा स्टार्ट राइट में मूव होगा और एंड जो है वो लेफ्ट में मूव होगा। तो अब एक बार चला के देखते हैं। सो हमारा कोड एक्सेप्ट हो चुका है, अब सारे टेस्ट केसेस पे एक बार चलाएंगे। तो सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं और ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।